हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे मैथमेटिकल टूल्स यूज इन फिजिक्स। उसमें हमने पढ़ा था ग्राफ, सभी ग्राफ पढ़े थे। उस ग्राफ के अंदर पहला जो ग्राफ पढ़ा था वो था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। अब आगे ग्राफ जो है और क्या क्या है ग्राफ है वो देखें। जैसे इक्वेशन या ग्राफ जो बने हुए पैराबोलिक अगर ग्राफ बने, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बने तो उसके लिए पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है वो पैराबोलिक इक्वेशन देखें। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बने तो जो ग्राफ बनेगा ग्राफ इज पैराबोलिक। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एक तो ये मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं, क्या, पहली इफ इफ a ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ ये बनेगा x की या y एक्सिस हो गए, ये x एक्सिस इस टाइप से, ठीक है, x के अलावा ये ग्राफ बनेगा इसका। दूसरा एक कांस्टेंट है, a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है, a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। दूसरा अगर बने, अगर इक्वेशन में ये इक्वेशन बने और इसी इक्वेशन में a जो वैल्यू आ जाए वो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, अब ये नेगेटिव होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगी माइनस 4ax। 4a इज अ कांस्टेंट, हम ये भी कह सकते हैं इसको, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू kx, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट है यहां पे, के कांस्टेंट है यहां पे, तो ओनली जो y है यानी ये जो टर्म है वो ओनली किस पे डिपेंड करेगी, x के टर्म पे, ये तो कांस्टेंट है उस पे डिपेंड तो करेगी नहीं, तो x पे डिपेंड करेगी बेटा, ठीक है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कई टर्म होती है y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, तो अगर y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x होगा तो वो जो इक्वेशन होगी वो किसकी होती है, पैराबोला की, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ऐसे ही माइनस 4ax हो गया, a की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहां जो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन के लिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये माइनस x, ये माइनस y, तो ये ग्राफ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के एक कंडीशन इस इक्वेशन के लिए, a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ, a नेगेटिव है तो ये ग्राफ। दूसरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला दूसरी एक और होती है, ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, नोटबुक के अंदर अच्छे से नोटबुक बनाए मैथमेटिकल पार्ट के अलग से। तो आगे देखो नेक्स्ट, इसमें दूसरा अगर ये आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फिर वही बात है 4 इज ए कांस्टेंट, फिर उसके अंदर फिर कंडीशन पहली एक कि इफ a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, a की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ बन जाएगा, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, इसका ग्राफ ये, ठीक है, पास से थ्रू ओरिजिन यहां से, दूसरा अगर इसी के अंदर b पार्ट यानी कि ये आ जाए कि a की वैल्यू इफ a इज ए नेगेटिव कांस्टेंट, इज ए नेगेटिव कॉन्स्टेंट,
तो नेगेटिव होगा तो वही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगी माइनस फोर ए वाई। तो अब जो इसका ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ बन जाएगा ये वाला कि वाई ये एक्स ये माइनस वाई इसका ग्राफ। ठीक है तो ये चार ग्राफ थे इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए पॉजिटिव एक्स यानी इस एक्स के लिए माइनस एक्स के लिए वाई के लिए हो गया ये माइनस वाई के इसके लिए। ठीक है तो हर एक के लिए ग्राफ उन्हीं चार क्वाड्रेंट के लिए बनेंगे। चार क्वाड्रेंट में किस किस क्वाड्रेंट में बनेगा वो आपको सामने देख लो। अगर ये अगर होता इस तरह से इक्वेशन है ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट अगर इस तरह से बनती है तो ये कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उन दोनों में क्या था उन दोनों के अंदर ये क्वाड्रेंट था फर्स्ट एंड फोर्थ और उसमें क्या था सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है तो ये ग्राफ थे इक्वेशन ऑफ पैराबोला की और ग्राफ थे कैसे पैराबोलिक। दूसरा आगे नेक्स्ट अगला जो ग्राफ है वो सर्कल के लिए है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो ये होती है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो इसमें ग्राफ ए क्या है इसमें इसकी रेडियस ए इज रेडियस तो इसको आर कह दो। ठीक है इसको आर कह सकते हो तो आर इज ए रेडियस। अब आपको पता है सर्कुलर कंप्लीट सर्कुलर होगा तो कंप्लीट सर्कुलर होगा तो सही एक्स एक्सिस में हो सही वो वाई एक्सिस में हो ये वाई एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस हो गया इस ओरिजिन से डिस्टेंस ये भी आर ही होगी और ये भी कितनी होगी आर होगी। तो अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग एक्स अलोंग वाई दोनों की रेडियस क्या होगी आर होगी। तो अगर इक्वेशन इस टाइप की बनती है तो उसका ग्राफ ये बनेगा कंप्लीट सर्कुलर। ठीक है उसके बाद ये पहला स्ट्रेट लाइन के लिए था दूसरा पैराबोलिक का था थर्ड सर्कल के लिए है फोर्थ एलिप्स एलिप्स। एलिप्स के लिए क्या होती है बेटा उसमें इक्वेशन मान लो इस टाइप की अगर तो बने एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू वन। एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। इसमें ए और बी उसकी क्या है दोनों रेडियस है ए एंड बी आर रेडियस एलिप्स है तो एलिप्स में जो रेडियस है दोनों बराबर नहीं होंगी ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस तो एक्स के रेडियस ए है तो ये एलिप्स बनेगी ऐसे बेटा। ठीक है तो इसमें ये जो हमारे पास है रेडियस ये तो ए है और ये जो हमारे पास है ये है बी ये ए और ये बी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन बनती है तो ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ कौन सा है इलिप्टिकल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये ग्राफ कैसा है सर्कुलर क्योंकि इक्वेशन कैसी है सर्कल तो ये इलिप्टिकल है ये सर्कुलर है। ठीक है आगे नंबर फोर हाइपरबोलिक ग्राफ। नंबर फोर हाइपरबोलिक ग्राफ तो ज्यादातर जो ग्राफ हमारे फिजिक्स में आते हैं वो ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन के होते हैं। ठीक है या दूसरा हमारे पास ग्राफ पैराबोला के भी कम होते हैं ज्यादातर हाइपरबोलिक ग्राफ हमारे सबसे ज्यादा होते हैं स्ट्रेट लाइन एंड हाइपरबोलिक और कुछ ही ग्राफ पैराबोला के और ये जो सर्कुलर है इलिप्टिकल है ये बहुत कम यूज होते हैं हमारे। तो हाइपरबोलिक ग्राफ में इनका ग्राफ कैसे बनेगा इनके लिए हमारी इक्वेशन होती है हाइपरबोलिक उसको इनवर्स ग्राफ भी कह सकते हैं
इनवर्स, ये तो दो फैक्टर आपस में एक दूसरे से इनवर्स हो, ठीक है, अगर एक टर्म बढ़ती है दूसरी घटे तो उस टाइप में कैसे क्या बनेगा, तो हाइपरबोलिक जो इक्वेशन होती है या इनवर्स जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सी इज ए कॉन्स्टेंट, सी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी इसकी। अब इस इक्वेशन के लिए दो कंडीशंस बनती है बेटा, पहली कंडीशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, इक्वेशन हो गई है, इफ, अब मैं ये कह दू इफ, बीच लेता हूं उसको मैं, फर्स्ट एक्स वाई इक्वल टू तो सी है एंड इफ सी इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, सी पॉजिटिव है, तो आप ये बताएं सी पॉजिटिव कब होगी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, तो आइदर बोथ पॉजिटिव और आइदर बोथ नेगेटिव, तो अपने आप क्या आएगी, सी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसमें दो कंडीशंस बनेंगी, पहली कंडीशन कि इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा वाई भी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर x भी लेस देन जीरो y भी लेस देन जीरो, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आप बताओ x और y पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा बताओ, x भी और y भी पॉजिटिव होंगे इसमें, तो ये तो होगा बेटा ये होगा x ये होगा y, तो इसमें x भी और y भी जो पॉजिटिव है वो कौन से कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका जो ग्राफ बढ़ेगा यानी अगर ये कंडीशन बढ़ेगी एक्स वाई इक्वल टू सी और सी की वैल्यू ग्रेटर देन है यानी कि मतलब ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है, और एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा ग्राफ में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इनवर्स एक दूसरे से, और टसो की ग्राफ नहीं आएगा इससे, ये इनवर्स रिप्लेस करेगा इसके पैरेलल आएगी और इसके पैरेलल आएगी, ये ग्राफ बनेगा इसके लिए। अब बात ये है x भी लेस देन 0 y भी लेस देन 0 यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव, ये y ये x ये -x ये -y, अब बताओ दोनों नेगेटिव कहां पे हैं, दोनों नेगेटिव x भी नेगेटिव x नेगेटिव इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन y नेगेटिव इसमें है y नेगेटिव इसमें है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ये सभी बातें अच्छे से नोट करें, इनवर्स बनेगा एक बड़े दूसरा घटे, ठीक है, तो यहां से पैरेलल जाएगी और उसके पैरेलल जाएगी, तो अगर इन दोनों का कंबाइंड अगर हम ग्राफ बनाए, कंबाइंड अगर ग्राफ बनाए x y is equal to c और c की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ ये बन सकता है, नोट करना अच्छे से, उसका ग्राफ ये बनेगा बेटा x ना सॉरी y x ये हो जाएगा माइनस x ये हो जाएगा माइनस y, तो उसका ग्राफ ऐसा, किस कंडीशन के लिए x y equal to c and c is greater than 0 first quadrant and third quadrant, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए यहां से ये तो पहली कंडीशन थी, तो पहली कंडीशन के लिए ग्राफ बन जाएगा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है बी पार्ट कि भाई वही से एक्स वाई इज इक्वल टू सी बट सी इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, और सी नेगेटिव कब होगा बताना वही बात, फिर दोबारा से दो कंडीशन बनेंगे, पहली कंडीशन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आए मतलब ये कह दो एक्स तो ग्रेटर देन जीरो तो वाई क्या होगा लेस देन जीरो,
तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा उल्टा कर दे, x अगर इफ x लेस देन जीरो या x नेगेटिव एंड y ग्रेटर देन जीरो तो भी क्या है दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो ये ग्राफ एक्स वाई इक्वल टू सी और c नेगेटिव के लिए, अब बताओ x तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव जो होता है इसमें और इसमें, लेकिन y क्या होगा नेगेटिव, तो y नेगेटिव किसमें होगा इसमें, तो इसका ग्राफ बताओ कैसे बनेगा, x पॉजिटिव यानी कि इधर या इसमें या इसमें, और y नेगेटिव किसमें होगा या इसमें या फिर इसमें, तो दोनों का कॉमन कौन सा होगा ये वाला, तो इसका ग्राफ यही बनेगा। पहले तो ये y माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है, उसके यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर बात करें इसकी तो x लेस देन जीरो y ग्रेटर देन जीरो, तो x नेगेटिव इसमें भी है और इसमें भी है, बट y पॉजिटिव इसमें होंगे, y पॉजिटिव इसमें होंगे, तो इन दोनों का कॉमन आएगा कौन सा आएगा, ये आएगा, तो y x माइनस x माइनस y, तो किसमें ग्राफ आएगा, तो इसका ग्राफ था फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इन दोनों को जो कंबाइन हम ग्राफ अगर बनाएं, तो ध्यान से इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें कि x y इक्वल टू c और c की वैल्यू लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर वैल्यू होगी, यानी अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर मान लो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 15 आ रहा है, तो 5 * 3 कितना है 15, तो अभी 15 ही रहना चाहिए, इसका मतलब पहले 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 3 क्या होगा 15 होगा, ये 15 है ये 1 है, तो 15 * 1 कितना आएगा 15, और अगर ये 1 है तो ये 15 होगा, यानी जितना ये कम हो रहा है उतना वो बढ़ जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इस तरह के लिए ग्राफ का जो इस तरह की जो इक्वेशंस या कंडीशंस बनेंगी उसके ग्राफ हमेशा इस टाइप के इस टाइप के इस टाइप के या इस टाइप के बनेंगे। तो नेगेटिव के लिए ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट, सी नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव किसमें था फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इन दोनों का जो कंबाइंड ग्राफ बनेगा इस तरह से, वो कैसा बनेगा, तो ये बन जाएगा इसके लिए तो यहां पे है और इसके लिए यहां पे है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनेगा इसमें लाइन है इसके पैरेलल, तो ये टोटल 4 ग्राफ है जो हाइपरबोलिक ग्राफ के अंदर हाइपरबोलिक कर्व के अंदर बनते हैं। तो ये हमारे पास टोटल ग्राफ सभी स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो टोटल ग्राफ कितने वैसे उस पर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद में हमारे पास हमने ग्राफ बनाया पैराबोलिक, पैराबोलिक के बाद बनाया इलिप्टिकल, इलिप्टिकल के बाद यानी सर्कुलर, सर्कुलर के बाद हमारे पास कौन सा है हाइपरबोलिक कर्व। तो इन सभी को अच्छे से मैथमेटिकल नोटबुक जो हम बना रहे हैं उसमें उतार लें। ये हमारा टोटल मैथमेटिकल वर्क यानी कि ग्राफ थे। अभी इसके अंदर आपके कुछ पार्ट और बस गया, वो अगले लेक्चर में कराऊंगा। ओके, थैंक यू।